हाँ मंदिर पे करेंगे सबसे बढ़िया रहेगा। मंदिर पे क्या है? नमस्कार मैडम, आपके समिति का नाम बताएंगे? श्री राम श्याम कैजुअल मंडल। ये साईबाग में रानी शक्ति मंदिर है, यहाँ पर आपका एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, ये हमारे 11 लड़कियों का कार्यक्रम हो रहा है और श्री रानी शक्ति के प्रांगण में हो रहा है। हर साल 11 शादियाँ करते हैं। आप यह समूह लग्न करवा रहे हैं मैडम, इसके पीछे क्या हेतु है, सिद्धांत क्या? उद्देश्य है कि ये लड़कियाँ गरीब घरों से है और इनका जीवन सफल हो गए और आगे बढ़े। और कुछ खास विशेषता है ये समूह लग्न की? विशेषता ये है कि भाई इनका घर का खर्चा नहीं होगा और हमारी संस्था वो बोझ उठा लेंगे। ओके, थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम, आप क्या बताना चाहते हैं? लग्न में जो दाता आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में हम उन दान दाताओं का खूब खूब आभार मानते हैं कि उनको हर साल हर समय हमको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम।
तो फिर अच्छी आओ विष्णु रे विष्णु रे विष्णु यथाशक्ति स्वयं दक्षिणा रखने विष्णु रे विष्णु रे विष्णु श्री मद भगवतो महाप्रवेश विष्णु राज्ञा
ऊर्धमानस्याद्यः श्रीब्रह्मणः द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेतवाहरः कल्पे प्रदेशे बहुधावतारे गुर्जर राजक्षेत्रम् दन्वर्ता श्री स्मृतो मध्यन्वर्ता वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्ष स्वाति नक्षत्रस्य वयंसागर नक्षत्रस्य विधिवत् पर्यन्त वर्यान् योगस्य वणिजकरणस्य तुलाराशेषु चन्द्रेषु मेघराशेषु ग्रहगुणविशेषाम् विष्टाम् सुप्रणप्राप्त्यर्थे अस्मिन् दिवसे नात्र स्थाने ऊर्जराजे अम्बवागनगर क्षेत्र मध्यंतर साईवागनगर सानिध्ये एतेना गोत्र उत्पन्न अपने गोत्र का उच्चारण कर ले जो भी कन्यादान कर रहे हैं वो अपने गोत्र का उच्चारण साथी का नाम ले लीजिए पत्नी का नाम अमुक नाम नहीं कन्या जिस कन्या का आप दान कर रहे हैं उस कन्या का नाम उच्चारण कीजिए परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रति संस्कारम पाद कृच्छा चूड़ा हिरण्य देवतम ब्राह्मणाय तुभ्यम संप्रदेता अस्य कन्यायां प्रजोत्पादना गृह परिगृह धर्म आचराय आठ प्रकार के विवाह जिसमें से ये सर्वनिशानं समर्पयेतं कलशोदेतं ॐ वस्त्रोदकानि समर्पयेत युवाश्वासे मरणेतं निराशं हेन्दोर्य वस्त्रोऽस्त्रं मा समर्पयामि कुङ्कुमं कामं दिव्यम् इसके बाद कलश पूजन के बाद मातृकाओं का पूजन करना है मातृकाओं में कुलदेवी का श्रवण करना है क्योंकि कोई भी पुण्य कर्म बिना कुल देवताओं के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं होता है उनके आशीर्वाद से ये पुण्य कर्म करने का अवसर आज प्राप्त हुआ है तो कुल देवता का कुल देवी है इनके कुल देवी का ध्यान दीजिए इनके कुल देवताओं को कुल देवता का श्रवण कीजिए ॐ गौरी पद्मा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः धरती पुत्री वाचस्पति आत्मना कुलदेवता अनिश्चितकायोपा भूते मोचत षोडश षोडश मातृका सुप्त मातृका वरदायिनी मातृकाय जन्मा पादपादं समर्पयामि अष्टोदकं समर्पयामि मुखेराजनं समर्पयामि सर्वं स्नानं समर्पयेतं महा दत्त ॐ युवाश्वासे वस्त्रवक्रं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयेत नैवेद्यं धूपं दीपं करो नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय स्वापानाय स्वा गुड़ रखा हुआ है गुड़ का नैवेद्य कीजिए प्राणाय स्वापानाय स्वा ध्यानाय स्वा उदानाय स्वा समानाय स्वाहा मध्या सुक्रियलाग्नं समर्पयामि चक्रायुधाय घनघोर दुर्गुरुमुखे इन्द्रवज्रायुधाय रुद्र सहितमे समर्पयामि और दोनों के हाथ में वरमाला दे दीजिए और उनको एक दूसरे के सामने खड़ा कीजिए एक दूसरे के सामने मंगलम करण भुजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तीसरी आहुति भाई देगा बहन के हाथ में बहन और कंधे को वधू को चोरी पे बिठाना है कृष्ण में उसे उतारना नहीं कहीं कृष्ण में चामे
वैसे तो दान दाता हूँ, कृपा है और क्लिप में खच्चर में यार। एक बात हमारे अश्विनी जी बता रहे हैं कि बहुत क्या चाबी होती है। चंद्र बाजा जी और सरोज पार्टी के सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, श्री राजकुमार जी गुप्ता। और टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल होके आई है, तो इसके लिए खूब खूब तालियां।